गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3 की बुक हिंदी प्रभा का लेसन 7 पार्ट 7, जिसमें हमने 3 वीडियो देख ली है, जिसमें हमने 2 वीडियो में पाठ पढ़ा है, तीसरी वीडियो में हमने इसके प्रश्न उत्तर करे हैं। तो पहली वीडियो जो हमने प्रश्न उत्तर वाली जो वीडियो है, उसमें हमने पहले हमने शब्दार्थ को सही और गलत का निशान लगाया था, उसके बाद हमने रिक्त स्थान को बदलने का किया था। अब हम इस वीडियो में सही मिलान कीजिए करेंगे, तो हम अब शुरू करते हैं इसको पूरा करना। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है सूर्यदेव, इसका शब्दार्थ प्रश्न जो शब्द है उसके शब्दार्थ यहाँ सामने आपको लिखे हुए हैं, तो आपको उसको क्या करना है, मिला करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप पहला करके दिया गया है सूर्यदेव, सूर्यदेव का सूरज देवता उन्होंने कर दिया है, तो हमको क्या करना है, प्रेम पूर्वक को प्यार से, तो प्रेम पूर्वक का क्या हो जाएगा, प्यार से। ठीक है, इस तरीके से आपको भी मिलाना है। निर्दोष, दोष रहित, निर्दयी, दया रहित। ठीक है, आदेश, हुक्म, एक सेकेंड, प्रेम पूर्वक का क्या हो जाएगा आपका, प्यार से। निर्दोष, दोष रहित, ठीक है, निर्दयी, दया रहित, घ को एक नंबर से मिलाना है आपको, तो दया रहित। ढ, आदेश, हुक्म, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद यहां देखेंगे हम चौथा प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आपको क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। ठीक है, जो क प्रश्न है वह है प्रातः काल का समय कैसा होता है, प्रातः काल का समय कैसा होता है, तो प्रातः काल का समय कैसा होता है, उस समय क्या होती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है, तो आपको लिखना है उत्तर में, प्रातः काल के समय, प्रातः काल के समय ठंडी हवा बहती है, ठंडी हवा बहती है, और चिड़िया बागों में चहचहाती है, और चिड़िया बागों में चहचहाती है। प्रातःकाल के समय ठंडी हवा बहती है और चिड़िया बागों में चहचहाती है। ख प्रश्न है, सिद्धार्थ ने हंस की जान कैसे बचाई, सिद्धार्थ ने हंस की जान कैसे बचाई, तो आप हमने पहले ही पाठ पढ़ा है, तो उस पाठ में हमने देखा था कि किस तरीके से सिद्धार्थ ने जान बचाई थी। इनके प्रश्न के उत्तर आपको पाठ में से ही देने हैं, तो कहां से कैसे बचाई थी जान सिद्धार्थ ने, हंस की जो तीर लगा हुआ था उसको पहले निकाल दिया, फिर क्या किया, उस पर उसको गर्म पानी से, उसकी जहां पर तीर लगा था उस घाव को गर्म पानी से धोया और फिर मरहम पट्टी बांध दी। तो आपको क्या लिखना है इसका उत्तर में, आपको यहां देखना, लिखो, सिद्धार्थ ने
हंस को जो तीर लगा हुआ था उसको निकाला। सिद्धार्थ ने हंस को लगे तीर को निकाला। सिद्धार्थ ने हंस को लगे तीर को निकाला वह उस पर मरहम पट्टी की। वह उस पर मरहम पट्टी की। ठीक है, ग वाला प्रश्न है आपका। देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत किससे की? देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत किससे की? तो किससे करी थी देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत? महाराज से। तो देवदत्त ने महाराज से सिद्धार्थ की शिकायत की। घ प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को क्या पाठ पढ़ाया? महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को क्या पाठ पढ़ाया? तो महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। क्या पाठ पढ़ाया था महात्मा बुद्ध ने सभी बच्चों को, सभी दुनिया, पूरी दुनिया को? प्रेम, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है, इस वीडियो में हमने प्रश्न उत्तर को भी कर लिया है। इसके आगे का जो व्याकरण ज्ञान है हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपको आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।